आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गुंडों और माफियाओं पर लगाम कसने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी के सबसे जिम्मेदार विभाग नगर निगम जोन से एक हैरान कर देने वाला वाक्य सामने आया है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गुंडों और माफियाओं पर लगाम कसने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी के सबसे जिम्मेदार विभाग यानी नगर निगम जोन 6 से एक हैरान कर देने वाला वाक्या सामने आया है, जहां के कुछ कर्मियों ने एक परिवार के साथ दबंगई दिखाई। गौरतलब है कि आजकल दबंगों की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि वो कहीं भी और किसी को भी बेरहमी से पीट सकते हैं। जी हां, ताजा मामला लखनऊ के चौक इलाके के काली जी मंदिर के पास का है, जहां एक घर में टैक्स वसूली के मकसद से गए नगर निगम कर्मियों और टैक्स इंस्पेक्टर अंदलिप जहरा ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा। आमतौर पर नगर निगम का जो नाम है वो साफ सफाई से लेकर बिजली पानी में आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी माहौल हो जाता है कि नगर निगम के कर्मी ही काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है, हम एक ऐसे घर के बाहर खड़े हैं जहां पर कुछ दिन पहले ही नगर निगम के कर्मी आए थे। यहां पर बवाल भी किया गया, हालांकि दोनों की तरफ से FIR दर्ज की गई है विभिन्न धाराओं में, कहीं बलवा लिखा गया है तो कहीं 307 की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ये चौक क्षेत्र है, जोन 6 लगता है, ये कालीबाड़ी जी का इलाका है, मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर कुछ परिवारों के साथ नगर निगम के कर्मियों ने मारपीट की। किस तरह से नगर निगम कर्मी यहाँ पर आए थे, कहा ये गया कि ग्रह कर की वसूली है। ये एक डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर डॉक्टर का घर है, काफ़ी महिलाएं भी रहती हैं यहाँ पर और बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। इनसे ही बात करेंगे चल के, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आते रहिए। ये देखिए, ये घर है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ होंगे। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं और उनकी माता जी भी हैं जिनके साथ एक घटना हुई, इनसे ही बात करेंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या ऐसी नौबत आ गई कि मारपीट की नौबत आ गई? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है सरकारी कर्मचारी है वो मारपीट से दूर होता है, और बखूबी आप तो डॉक्टर हैं, तो किस तरह ऐसा माहौल बन गया कि आप लोग को खुद लड़ाई करना पड़ा? एक तरफ से वहाँ से मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ से बलवा का धारा 147 से लेकर 323, 504, 506 और 452 तक लिखी गई है, और वहाँ से 307 लिखी गई, तो ऐसा क्या माहौल बन गया कि आप लोग को लड़ाई करनी पड़ी? अगर किसी के माँ बाप को घर घुस के मारा जाएगा, लड़का क्या करेगा जी? पहला प्रश्न है मेरा आपसे। दूसरा प्रश्न ये है कि मैं एक हाथ से उसके पकड़े हूँ और दूसरे हाथ में मेरे फ़ोन है। मैं आपको वीडियो फुटेज भी दूंगा और बाकी तो सब ज्यूडिस मामला है, तो सारी चीज़ें मैं कोर्ट में ही प्रस्तुत करना पसंद करूँगा। कैसे जो है हमारी मम्मी के मुंह पे घूसा मारा, कैसे मेरे पिताजी को फोर्स करा गया उस बिल को लेने के लिए जो उनका था ही नहीं। बुज़ुर्ग आदमी है, 75% वो विकलांग हैं। अच्छा। हैं, आप उनको जबरन किसी और व्यक्ति के नाम का बिल ला करके आप दोगे कि नहीं आप ये लेना पड़ेगा? उसके बाद में आप उनसे जो है धन की डिमांड करोगे? उसके बाद में मम्मी अंदर से बिल ला के दिखाने गई थी कि भैया ये हमारे घर का नहीं है, वो खुद ही बोले थे कि आप लाइए, तो मम्मी बोली हम ला करके दिखाते हैं तुमको बिल। इस बीच में उन लोगों ने जो भी पापा से पैसे की मांग करी, पापा ने पकड़ लिया उनका हाथ कि अब जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक तुम जाओगे नहीं। बस उसने जो है पापा के फ्रैक्चर्ड लेग पे उसने इंजरी दी, वो मुझे जैसा हमारे पिताजी ने बताया। चलिए ठीक है, एक बार एक यहाँ पर इनके पिताजी भी लेटे हैं, इनसे भी एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा इनका भी दृश्य दिखा दें कि किस तरह से ये, हालांकि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको थोड़ा सा दिक्कतें हैं और 75% थोड़े से विकलांग हैं, इनके ऊपर भी वार हुआ, बाबूजी लेटे हुए हैं, माता जी हैं, इनसे ही पूछते हैं। माता जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? रेखा मेहरोत्रा। रेखा जी, क्या उस दिन क्या हुआ था कि जो बाबूजी को चोट लगी आपको लगी और आपके पुत्र को लगी, ऐसा क्या हो गया था जो यहाँ तक बात पहुँच गई? बस यही हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हमने उनसे ही कहा था कि हमारे रेखा मेहरोत्रा का बिल आता है, हम आपको बिल दिखा रहे हैं। तो कहने लगे अभी दिखाइए, तो हमने कहा देखिए अभी हम हाथ में लेके नहीं खड़े, हम अंदर जाएंगे तो ला के दिखा देंगे। जब अंदर हम आए बिल निकालने के लिए
तब तक इनसे उन लोगों ने हाथापाई कर ली, हमारे हस्बैंड पे वार कर दिया। तो जब ये चीखे तो मैं बजाय बिल निकालने के वापस आ गई, और हमने जब देखा कि वो लोग इनके साथ में मारपीट कर रहे हैं, तो मैंने भी उसको पकड़ा जो नीली शर्ट पहने हुए थे, तो उन्होंने मेरे जो है ठूंसा कस के मार दिया है, और मार के वो, और वो तब तक भैया उतर आया। तो भैया जब मेरा उतर के आया तो मैं बाहर तक गई हूँ, मुझे ये था कि मैं ये नहीं चाह रही थी कि हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं भी पीछे भागी। मगर इन लोगों ने मुझे वहाँ पर, यहाँ से काफ़ी दूरी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, वहाँ ले जाके इन्होंने मुझे मारा है, मेरा दुपट्टा खींचा है मुझे दुपट्टे से। तब मैं वहाँ पर दोबारा चबूतरे पर गिरी हूँ, तब आवाज़ सुनकर मेरी जो पड़ोसी हैं हस्बैंड वाइफ, वो भी बृहस्पत था तो घर में थे, नहीं तो वो भी ना होते, तो वो दोनों बेचारे निकल के आए, और वो लोग भी बस बचाते ही रहे, बचाए कहीं पर, उन लोगों ने भी किसी ने वार नहीं किया कि वो मार रहे हो। वो भैया को भी अपना पकड़ पकड़ के इधर ही करते रहे। पुलिस का क्या रोल था? पुलिस का ये था कि भैया हमारा, पुलिस को इतनी कॉल लगा रहा था, फोन उठ नहीं रहा था उधर, यहाँ जिनकी है मेरी बेटी जो, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पड़ोसी की बेटी ने कम से कम 112 पे कितना मिलाया, मगर फ़ोन नहीं उठा। मगर जब वो बोला फ़ोन मिला रहा हूँ, फ़ोन मिला रहा, तो हम लोगों ने सोचा पुलिस बुला रहे हैं, तो हम लोग इस धोखे में रह गए कि पुलिस बुला रहा है, तो हमने बुला रहा है भैया ही नहीं कहने। कितने लोग थे माता जी तकरीबन? भैया समय तो आज समझिए हम गिर नहीं सकते, मतलब मारने वाले तो इतने लोग थे कि हमारा लड़का जिंदगी में पहली बार इतना पढ़ा लिखे लड़के को तेरे मारा है लोगों ने। इस पिटाई में परिवार के लोगों को चोटें भी आई, तो वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों का आरोप है कि निगम कर्मियों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए उन्हें अर्दब में लिया और बात न मानने के एवज में घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। तो वहीं पीड़ित परिवार ने हंगामा बढ़ता देख डायल 112 की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, तो मामला कुछ शांत हो सका। कि किस तरह से यहाँ पर इनके परिवार पे वार हुआ, नगर निगम के कर्मी आए और जबरन घर में घुसकर कई लोगों पे वार किए, उसके बाद नगर निगम के कर्मियों ने FIR दर्ज करी और यही पीड़ित परिवार है, इनकी तरफ से भी FIR दर्ज की गई। एक महिला एक और हैं जो इस घर की बहू हैं, जो कि हालांकि माता जी ने जिस बहू का जिक्र किया वही हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, यहीं पे हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महिमा मेहरोत्रा है। अच्छा महिमा जी, ये बताइए, जैसा कि माता जी ने अभी बताया कि आप पर भी हमला हुआ और उसके बावजूद वो क्रॉस FIR आप पर लिख दी गई 360 की, क्या लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए था और हुआ भी तो क्यों हुआ? भैया ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, आप जब वीडियोस देखेंगे तो ये पाएंगे कि मैं सिर्फ बीच बचाओ में ही हूँ, और उन लोगों ने बहुत बुरी तरह से, इतने सारे लोग थे घर के अंदर से घुस के मुझे खींच के बाहर फेंक दिया। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, योगी जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, तमाम सरकारें दावा करती हैं महिला सुरक्षित हैं, लेकिन क्या हो जब विभाग के ही कुछ लोग महिला पर वार करें, तो क्या आपको लगता नहीं कि उस सशक्तिकरण का दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। आप विभाग की तरफ से एक महिला लाकर और हमारे परिवार को इतना प्रताड़ित करते हैं, और आप अपनी गतिविधियां देखिए कि आप किस तरह से एक सभ्य परिवार की महिलाओं के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। चूंकि आप ये बताइए, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छा संपन्न परिवार है, अब ये बताइए कि ये सब जो घटनाएँ हुई, क्या ये कहीं ना कहीं दर्शाता नहीं है कि कुछ शिक्षा का अभाव है या फिर जानकारी का अभाव है लोगों में कि वो महिला पर हाथ उठा रहे हैं, किस तरह से घर में घुस रहे हैं? क्योंकि माता जी ने जिस तरह से मुझे बताया कि बिल उनके नाम का था या नहीं था, जो भी है उन्होंने बताया, आप पर इस तरह से वार होना, आपने पुलिस FIR दर्ज करवाई, क्या आपको लग रहा है कि FIR आपके मुताबिक उस न्याय की प्रक्रिया आपके अनुरूप चल रही है?
बिल्कुल नहीं भाई साहब, इस समय तो बिल्कुल ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि न्याय की प्रक्रिया हमारे हिसाब से चल रही है। अगर इतने सब होने के बाद सबसे पहला तो काम यही होना चाहिए था कि हमारे ऊपर जो गलत धाराएं लगाई गई, गलत केस दर्ज किया गया है, सबसे पहले तो वो केस खारिज होना चाहिए। वो तो कहीं साबित ही नहीं हो रहा है, तो न्याय की प्रक्रिया भी तो साथ में चले। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन वो प्रक्रिया होती दिखे तो हमें। देख, जैसा कि देखा आपने, ये थे हमारे साथ पीड़ित परिवार, और यहाँ पे एक मुखिया भी हैं यहाँ के, जो कि बाबूजी हैं। बाबूजी, थोड़ा सा पास आऊँगा आपके। क्या शुभ नाम है बाबू? मेरा नाम सुनील कुमार मेहरोत्रा है। मेरे परिवार के साथ एक ऐसी घटना हुई है, योगी सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ न्याय होगा, जरूर होगा, आपस होगा, और अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये मेरा अगला स्टेप होगा, भले ही मेरा परिवार से बिछुड़ जाऊँ, लेकिन मैं योगी सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि मेरे सामने मेरी बहू मारी जाए, मेरी माई मेरी पत्नी मारी जाए, मेरे बेटे का खून खराबा हो और मुझे न्याय ना मिले, उल्टे मैं 307 का मूल्य पर युक्त किया जाऊँ। मैं योगी सरकार से उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ न्याय जरूर होगा, अवश्य होगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर ये पीड़ित परिवार था। हमने डॉक्टर साहब से भी बात करी, माता जी से बात करी, इनकी वाइफ हैं, इनके पिताजी थे, पूरे परिवार से लगभग बात की। इनका साफ तौर पे कहना था कि इनके साथ इन्हें न्याय मिलना चाहिए। नगर निगम के जो कर्मी हैं, दोषी कर्मी हैं, जिनके खिलाफ़ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और इन्हें एक सबसे बड़ी बात है जो बाबूजी ने कही, इन्हें सीएम योगी से बहुत बड़ी अपील है, और कहीं ना कहीं इनके परिवार को भी ये आशा है कि सीएम योगी और यूपी पुलिस इन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। बहरहाल बताते चले कि दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, और साथ ही साथ नगर निगम के कर्मियों और टैक्स इंस्पेक्टर की इस शर्मनाक हरकत की वजह से देर शाम अंदलीप जहरा का ट्रांसफर कर दिया गया है, और विभागीय जांच के आश्वासन भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।